गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरए जीनियस फैक्ट्री। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेटा एंट्री ऑपरेशन के बारे में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। और ये वीडियो स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि आप डेटा एंट्री ऑपरेशन करते हो एक्सेल फाइल के अंदर, जो आप घंटों में काम करते हो उसको हम आपको आज मिनटों में करना सिखाएंगे। ओके, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, हमारा हौसला अफजाई होगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। सो हे गाइस, आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और चलिए फटाफट एक्सेल फाइल को पहले ओपन कर लेते हैं। और ये हो रही है हमारी फाइल ओपन, हो चुकी है। डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम लोग ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। दूसरे वाले सेल में सबसे पहले हम लोग टाइप करते हैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस एंड जीप कोड। ओके, और ऊपर वाला जो हमारा सेल है अभी हम देख पा रहे हैं जो B1 करके है, B2 वो ऑटोमेटिक रेंडर नहीं कर पाया है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक मैनुअल भी कर सकते हैं और एक ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक भी करना हम आपको बाद में सिखाएंगे, पहले हम इसको मैनुअली करना सीख लेते हैं। सो जैसे ये लाइन है यहाँ पे डबल एरो बन रहा है, इट मीन्स आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट इसको मूव कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करके इसको खींचेंगे राइट साइड में और ये देख पा रहे हो आप कि ये हमारा सेल का जो विड्थ है वो बढ़ गया है। एक दूसरा तरीका भी है कि हम पूरे सीट को सेलेक्ट करें और किसी एक सेल की विड्थ को अगर आप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक सारे सेल की विड्थ एक ही बार में बढ़ जाएगी। और सीरियल नंबर के लिए स्पेस ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से उसी लाइन पे हम डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेंडर कर लेगा। ऐसे ही हम लोग कॉन्टेक्ट का, जिप कोड का भी कर लेते हैं। यस, नाउ इट्स ओके। और फिर से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास पहला वाला रो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं सभी सेल्स को, और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कर देते हैं इसको मर्ज एंड सेंटर। हाइट भी थोड़ा सी इसकी हम लोग बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं हेडिंग। और इस हेडिंग के अंदर हम लोग टाइप करेंगे स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन। यस, और थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं हम लोग। उसके लिए सबसे पहले इसका लाइन हेड चेंज कर लेते हैं, सेंटर में आ गया। और फिर से इसको हम करते हैं थोड़ा सा फॉन्ट चेंज, नाउ इट्स लुकिंग कूल। और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, यस, एंड फॉरग्राउंड कलर में वाइट कर देते हैं, यस। और जो हमारे पास हेडिंग है उस हेडिंग को भी सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसका भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, फॉरग्राउंड सेम रहने देते हैं, यस, नाउ इट्स लुकिंग कूल। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें सीरियल नंबर लिखना है तो ऑटो फिल ऑप्शन का यूज करके हम लोग सिंपली दोनों सेल को सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे जितना भी डेटा आपको रिकॉर्ड करना हो। तो अभी मुझे 10 रिकॉर्ड चाहिए तो मैं 10 करता हूँ, 10 करेंगे हम लोग। और फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डेटा फीड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक जेन्युइन पुराना मेथड है जिसके थ्रू हम लोग डेटा एंट्री करते हैं और सेम मेथड के थ्रू हम आपको करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले एड्रेस भी लिख देते हैं और जीप कोड भी। तो ये तो ऐसे हम सब लोग करते हैं, लेकिन जो ट्रिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस ट्रिक के बारे में सबसे पहले सीखेंगे आज हम लोग। तो इस डेटा को हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट और फिर से हम क्लिक करते हैं फाइल टैब पे। और फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे ऑप्शन में और ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार, इसको कस्टमाइज करेंगे।
और यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी एक फॉर्म ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसको सबसे पहले कर देते हैं रिमूव और ओके कर देंगे। और फिर से हम आपको मैन्युअली इसको करना सिखाते हैं कैसे करेंगे आप लोग। यहाँ पे तीन ही ऑप्शंस दिख रहे हैं, अब तीन के अलावा फिर हमें ये चौथा फॉर्म वाला ऑप्शन ले आना है। तो कस्टमाइज करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, फिर हम क्लिक करेंगे फाइल टैब पे, और यहाँ से फिर क्लिक करेंगे हम लोग ऑप्शन के अंदर, फिर करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज, और पॉपुलर कमांड के नीचे आएंगे हम लोग। सो पॉपुलर कमांड को थोड़ा चेंज करके और यहाँ से हम कर लेंगे ऑल कमांड, और एफ बटन क्लिक करके कीबोर्ड से आप फॉर्म टाइप को यहाँ से ढूंढ सकते हो। तो ये रहा हमारा फॉर्म ऑप्शन, और इसको ऐड किया, ओके कर दिया। सो अभी आपको फॉर्म वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने लगा है। अब डेटा को फिट करने के लिए हम सबसे पहले हेडिंग को करेंगे सेलेक्ट, और हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली फॉर्म टैग पे क्लिक कर देना है। सो ये डायलॉग बॉक्स को ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म ओपन होके आ रहा गया, और यहाँ पे हम अपने डेटा को कर सकते हैं आसानी से फिट। हमारे एक स्टूडेंट है प्रिंस, सबसे पहले उसका डेटा फिट करते हैं, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम लिख देते हैं, और फिर से इनका टाइप कर देते हैं हम लोग एड्रेस, और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इनका जिप कोड, फिर करेंगे न्यू रिकॉर्ड पे, न्यू ऑप्शन पे क्लिक। तो हम देख पा रहे हैं सक्सेसफुली हमारा डेटा फीड हो गया है हमारे सीट के अंदर। सेम इट इज़, हम दूसरा भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए अपने एक स्टूडेंट का डेटा फीड करते हैं, नाम है रेनू, कॉन्टेक्ट नंबर इनका ये है, और इनका एड्रेस है निचलॉल, और जिप कोड है इनका ये। फिर से हम करते हैं न्यू एंट्री। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो डेटा फीड हुआ, तीसरा भी डेटा फीड करते हैं, और तीसरा डेटा फीड करने के लिए भी हम अपने एक स्टूडेंट का ही डेटा फीड करेंगे, नाम है उसका दीपक, और इनका जो एड्रेस है वो कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, एड्रेस जो इनका है वो है इनका महाराजगंज, और इनका जिप कोड है ये। फिर करते हैं न्यू रिकॉर्ड, और उसके बाद से फिर से हम एक तीसरा भी एंट्री, चौथा एंट्री करते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक हमारा स्टूडेंट है शहनवाज, उनका नाम लिखते हैं, और इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है ये, कोई भी डमी कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं, ये लड़का रहने वाला है अरुणाचल प्रदेश का, तो हम सिंपल यहाँ पे एपी टाइप करते हैं, और ये रहा इनका जिप कोड। ओके फिर करते हैं न्यू रिकॉर्ड। अब देखिए अगर ये डेटा को आपको चेंज भी करना है या फिर डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे फाइंड प्रीवियस पे, नेक्स्ट करेंगे तो आगे वाला आएगा, और ये डेटा को हम करना चाहते हैं डिलीट, डायलॉग बॉक्स आ रहा है, पूछ रहा है आपसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, हमने यस बोला, ये रिकॉर्ड हो गया डिलीट। और फिर इनकी जगह पे एक दूसरे अपने स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड करेंगे, नाम है रिया, कॉन्टेक्ट नंबर इनका ये है, और इनका एड्रेस है इटहिया, टाइप करते हैं हम लोग, और जिप कोड ये है, और फिर करते हैं न्यू एंट्री। तो ये हमारे पास रिया का डेटा हो गया रिकॉर्ड, कट करते हैं इसको। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये ट्रिक आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अधिक से अधिक, जो भी डेटा एंट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाला है ये। और ऐसे ही अगर आपको और भी डेटा रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। आज के लिए वाइंड अप करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे।